हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सैफ ट्रेड्स। और अभी हम यहाँ देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मंडे के दिन ट्रेड कर सकता है और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई लगाने वाला है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, 18,600 के आसपास है ये। अभी ये लास्ट ट्रेड कर रहा है 18,512। तो मंडे के दिन ये हम लोग इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है और जैसे आप देख पा रहे हैं 1 आवर में यहाँ पे फ्राइडे के दिन कुछ खास इसमें ट्रेड नहीं हुआ है। फ्राइडे के दिन हमारा ये एक लेवल है और ये एक लेवल है फ्राइडे के दिन का। अगर प्राइस मंडे के दिन इस रेंज के आसपास खुलता है तो हम लोग इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन 15 मिनट टाइम फ्रेम पा जाते हैं। तो निफ्टी अगर मंडे के दिन कहीं इस रेंज में खुलता है, अगर इस रेंज के बीच में खुलता है निफ्टी अगर, तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग ट्रेड इसमें नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस कहीं भी किसी भी तरफ अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना दे दे। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियो में बताया कि डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं लेना है, आपको एक रिटेस्ट का वेट करना है एंड देन आपको एंट्री लेना है। और बाइंग साइड में आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 18,600 का, जो मैंने अपना यहाँ पे लेवल लगा रखा है 18,600। एंड यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए हम लोगों को ब्रेक करने के लिए, या फिर अगर ये ब्रेक करता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 3 मिनट पे हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन देख करके इसके ब्रेकआउट पे हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं 18,650 का। तो हो गया बाइंग साइड के लिए टारगेट। और सेल साइड की लगा देखते हैं, प्राइस अगर इस लेवल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करके रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,400 एंड सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 18,350 के आसपास कहीं यहाँ पे। और अगर निफ्टी में कहीं बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है मंडे के दिन तो हम लोग उसमें वेट करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग 5 मिनट पे वेट करेंगे स्ट्रक्चर बनने का, इस तरह का स्विंग बनने का, एंड देन कुछ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है देन हम लोग उसके ब्रेकआउट पे उसमें एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा नीचे स्विंग का रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी मंडे को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग को वेट करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किधर जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे इसमें कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, हम लोग वैसे डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, प्राइस को रुकने देंगे, जब प्राइस ब्रेक करके जब वापस अपने उस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा देन वापस हम लोग उस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस और आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। तो हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, 1 आवर पे थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ऐसे जा रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पा जाते हैं हम लोग, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर सा सपोर्ट दिख रहा है जो बैंक निफ्टी ले रहा है। फ्राइडे के दिन भी सपोर्ट वैलिड था क्योंकि इसे रिस्पेक्ट किया है बैंक निफ्टी ने। जैसे प्राइस यहाँ पर आया है हमें बहुत ही अच्छा एक हैमर कैंडल दिखा है और प्राइस यहाँ पे सस्टेन किया। तो हमारे पास लेवल एक बहुत ही सिंपल सा लेवल है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है इस लेवल के आसपास, देन हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा इसके रिटेस्ट का। अगर हमें रिटेस्ट मिलता है यहाँ पर देन हम लोग बाइंग की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा फ्राइडे के सेशन का और डे हाई। एंड अगर प्राइस कहीं इस रेंज के आसपास खुलता है, जैसे कि यहाँ पर खुलता है, देन हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट देता है देन रिटेस्ट का वेट करेंगे एंड देन हम लोग इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं। और प्राइस अगर बहुत ही ज्यादा गैप खुल जाता है तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, गैप अप जब खुलेगा तो हमें वेट करना है प्राइस का कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाए, कंसोलिडेशन करे और ब्रेकआउट दे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है और खुल करके प्राइस ऐसे जा करके किधर भी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है ऊपर या नीचे, देन रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। हमें यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है, अगर सेलिंग साइड प्राइस आएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सपोर्ट ही, क्योंकि ये डे हाई है फ्राइडे का सेशन का, तो हमें यहाँ पे बुक कर लेना है, फिर यहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं। और अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक डाउन देता है, इस एरिया को, देन ये सब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो सेलिंग साइड अभी बैंक निफ्टी में उतना अच्छा से कॉन्फिडेंस नहीं जब तक ये सब लेवल को बैंक निफ्टी निकाल दे। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 मिनट पे आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 मिनट पे भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, देन उसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये गैप रहेगा, ये गैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे गैप है थोड़ा सा और ये क्लोजिंग कैंडल हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग साइड की तरफ। तो ये हो गया आपका एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। और कुछ भी क्वेरी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।